जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरकारी एग्जाम खबरी में। दोस्तों कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ स्वस्थ और अच्छे होगे, मस्त होगे। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी लोकेशन यहाँ में मेरी स्टूडियो की नहीं है। कुछ समस्याओं से मैं दिल्ली में फंसा हुआ हूँ और इसी वजह से मेरी वीडियोज़ भी आपको लेट मिल रही हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि आखिर टीयर टू में जिन जिन कैंडिडेट का एग्ज़ाम है, आखिर उनका जो एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर लिया होगा। अब काफ़ी लोगों का कमेंट यही आ रहा है कि सर हमारा जो एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया, अब हमें डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ ले जानी है टीयर टू की परीक्षा में। तो टीयर टू की परीक्षा में जो जो चीज़ें आपको ले जानी है, आज सारी जानकारी आपको मैं देने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। अब यही काफ़ी लोगों ने ये भी कमेंट किया कि सर जो वेरिफिकेशन क्या हमको अभी इसी में हो जाएगा, यानी टीयर टू के एग्ज़ाम में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हमारा हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो अभी नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी आप अपना सिर्फ स्किल में फोकस करिए, स्किल में फोकस करना है आपको, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी आपका नहीं होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कब होगा? जब आपका टीयर टू का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। फाइनल रिजल्ट आपका जब टीयर टू का जारी कर देगा DRDO, तो आपके पास एक मेल प्रोवाइड करेगा। मेल प्रोवाइड करने के बाद आपके पास उसमें एड्रेस होगा, यानी कि जिस भी डिवीज़न में आपका सिलेक्शन होगा वहाँ पर आपको जाना है, वहाँ पर ही आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है पूरा प्रोसेस किया जाएगा। तो यही सारी जानकारी काफ़ी लोगों ने यही किया। जैसे कि आपको पता है कल यानी 19 तारीख है, चेन्नई में किस कौन लोगों का सेंटर पड़ा हुआ है? चेन्नई में सेंटर पड़ा हुआ है JTO, यानी JTO का नहीं, सॉरी, जो आपका व्हीकल ऑपरेटर का है, जो चेन्नई में सेंटर पड़ा है। कुछ लोगों का 23 तारीख को है, मुंबई में आई थिंक महाराष्ट्र में आपका सेंटर भी पड़ा हुआ है। तो यही सारी जानकारी आपको देनी थी। और मैं इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको बता दूं, आपका आधार कार्ड हो गया, आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपको लेके जाना है, फोटोज़ लेके जानी है, ये जो कंपलसरी डॉक्यूमेंट है वो आपको लेकर ही जाना है सेंटर पर। तो बाकी जो भी इंस्ट्रक्शन आपके एडमिट कार्ड में लिखा है उसको भी फॉलो करिएगा, इंस्ट्रक्शन ज़रूर रीड कर जाइएगा। और जो लोग यही पूछ रहे थे कि क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमारा है वो अभी होगा कि बाद में होगा, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपका टीयर टू का एग्ज़ाम हो के और जब फाइनल रिजल्ट आता है तब आपके पास मेल प्रोवाइड होती है। तो यही सारी जानकारी आपको शेयर करनी थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसी जानकारी हमारे चैनल पे आपको टाइमली मिलती रहती है। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक कीप स्टडीइंग, कीप वॉचिंग सरकारी एग्जाम खबरी। जय हिंद, जय भारत।